नमस्कार, वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। सोने और चांदी की बात करें तो सोने में खास करके पूरा हफ्ता मार्केट एक सुस्त दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त भी 52,600 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 2% की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी 1720 से 1770 का एक ब्रॉड रेंज बन चुका है सोने के लिए। वहीं चांदी की बात करें तो $22 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नई तेजी के लिए $22 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट। ये तेजी का मुख्य कारण है फेड। फेड की मिनट्स जो कल रात को आई थी, यहाँ पे क्लियरिटी दी गई है कि कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आगे अगर रेट हाइक होती भी है तो बहुत लिमिटेड वे में और स्लो पेस से होगी, जिसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स को अगस्त के लेवल से नीचे जाते हुए देखा। इस वक्त भी 106 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसके बाद सोने और चांदी में अच्छा उठाव आता हुआ दिखाई दिया। वहीं फेड के पहले जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हुआ करते थे वो अब कहीं ना कहीं डॉविस होते हुए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सोने और चांदी के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। ईयर एंड है, यहाँ पे ज्यादा करके हम कैरी ट्रेड्स देखते हैं, बट एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास अभी भी गोल्ड और सिल्वर काफी अट्रैक्टिव है। खास करके अगर हम चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ड्रॉपिंग ही दिखा रही है, जो आने वाले दिनों में लगभग हमें लगता है जब तक 84 के नीचे मेंटेन है 73 तक का लेवल दिखा सकती है। फिजिकल साइड की बात करें तो चाइना मार्केट से कुछ कंसर्न्स रहे हैं, बिकॉज अभी भी फ्रेश जो कोविड के केसेस आए हैं, जिसके बाद फिजिकल डिमांड में थोड़ा सा कंसर्न्स बना हुआ अभी भी बना हुआ है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में डिस्काउंट्स काफी ज्यादा है, बिकॉज सप्लाई एज ऑफ नाउ दिवाली के बाद सफिशिएंट है, बट 32 लाख शादी है सामने, कहीं ना कहीं खपत कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, जिसके चलते फिजिकल मार्केट में भी रौनक कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। डॉलर इंडेक्स जिस से नीचे है, हमें लगता है इंटरनेशनल में गोल्ड पे 1756 के ऊपर जब तक मेंटेन रहता है 1780-85 तक के लेवल हम अगले हफ्ते में सोने में देख पाएंगे। वहीं चांदी भी वापस कोशिश करेगी कि 2220 तक का लेवल हम तोड़ पाए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से प्राइजेस एलिवेटेड लेवल्स पे ही है। ये पूरे हफ्ते में हमने देखा प्राइजेस 52,000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, जिसका मतलब है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में निकल कर आ रहा है। तो अगले हफ्ते की ट्रेड की बात करें तो 52,200-250 के करीब मिलता है तो गोल्ड लेके चलिए। 51,950 का स्टॉप लॉस रखिए। ध्यान रखिए, अगर ये 52,900 का लेवल गोल्ड तोड़ देता है तो 53,200 का इमीडिएट टारगेट रह सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी ने साइकोलॉजिकली 60,000 का लेवल कंटिन्यू होल्ड करके चल रहा है, 62,500-62,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेस पे, तो हम मार्केट में एक अच्छी तेजी देख पा रहे हैं जो 64,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो सारे फैक्टर सोने चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगला हफ्ता भी मार्केट तेजी में रहेगा। धन्यवाद।